But let's move on to the latest on the GST front. The Delhi Assembly has passed the Goods and Services Tax Bill, facilitating the new tax regime. The nod for the GST bill came despite Delhi's concerns regarding higher tax rates for some goods and services. In fact, in an exclusive conversation with CNBC TV 18's Timsy, Jaipuria, Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia said that tax rates for some items needs to be rationalised. What does that mean? Here's an excerpt of that exclusive interview. जैसे मैं व्यापारियों से मिला, बहुत सारे ट्रेड एसोसिएशन आए श्रीनगर की मीटिंग के बाद, लगातार मेरे पास आ रहे थे और एक दिन तो पूरा दिन मैं व्यापारियों के एसोसिएशन के साथ बैठा. उनको व्यापार की समझ है. उन्होंने कहा साहब आपने मार्बल टैक्स कर दिया. जनरल एक ऑब्जर्वेशन रहता है साहब मार्बल तो लग्जरी है. उन्होंने कहा साहब एक छोटे से घर में, दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, दिल्ली में बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, प्राइवेट अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डर अपार्टमेंट्स, एक छोटे से घर में से 50-60 गज के घर में, 80 गज के घर में एक आदमी अपना बाथरूम रिपेयर करवा रहा है. उस बाथरूम रिपेयर के लिए अगर उसको मार्बल खरीदना है, टाइल्स खरीदनी है और उसको 5000 रुपए की, 10000 रुपए की टाइल्स खरीदनी है, तो अब वो 28% टैक्स देगा. आप बहुत बड़ी बड़ी टाइल्स, बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स, बड़े बड़े 5-स्टार घरों में आप जो बहुत महंगी महंगी टाइल्स लगती हैं, बहुत महंगा महंगा मार्बल लगता है उसको, और एक 80 गज के रहने वाले, 50 गज के रहने वाले मकान को जो अपना आदमी अपने बाथरूम और किचन में बड़ी मुश्किल से मार्बल लगवाता है, टाइल लगवाता है ताकि वहां थोड़ी साफ सफाई रह सके, उस पर भी 28% टैक्स थोप रहे हो आप. और क्योंकि वो मार्बल तो लग्जरी है साहब, ये ठीक नहीं है. तो आपने श्रीनगर की मीटिंग में ये पॉइंट उठाया था? मैंने उठाया था, पर व्यापारियों ने जिस तरह से रखा मुझे लगता है दोबारा से उठाने की जरूरत है. उन्होंने कई चीजें उठाई क्योंकि, इसलिए मैंने कहा व्यापारियों से बात होनी हमेशा जरूरी है. मैं हर मीटिंग में कहता रहा हूँ कि आप अफसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, आप व्यापारियों और जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करिए और जनता को और ज्यादा इंटरेक्ट करिए. हम सब मिनिस्टर्स को करने का मौका दीजिए, करें ताकि हम लोग हमें मुझे जैसे ट्रेडर्स आए, उन्होंने कहा साहब कटोरी 28% के टैक्स, 18% के टैक्स पे है सपोज, या मुझे ठीक से याद नहीं, 12% और चम्मच 18% पे. तो कटोरी 12% पे, चम्मच 18% पे, और फिर बोले जब डिनर सेट में तो कटोरी और चम्मच दोनों आएंगी, उसको किस परसेंट पे लगाओगे. तो कुछ चीजें इम्प्रैक्टिकल भी हुई हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है. ऐसे किसी व्यापारी ने उदाहरण उसको दिया कि साहब गरीब आदमी अपने घर में लाइट बदलता है, आम आदमी अपने घर में कोई पंखा बदलता है, लाइट बदलता है, ये लग्जरियस आइटम नहीं है. आज की तारीख में दिल्ली में किसी के घर में पंखा लगा हुआ है वो लग्जरियस आइटम नहीं है. आप उस पे अगर 28% टैक्स लोगे तो ये ठीक प्रैक्टिस नहीं है. बहुत महंगे महंगे लोग एसी लगा रहे हैं, बहुत महंगे महंगे लोग पंखे लगा रहे हैं, ठीक है आप उसको लग्जरी मान सकते हो, पर घर में सामान्य पंखा लग्जरी तो नहीं है. इसको आप हाई, और ये हाई टैक्स रेट्स बिल्कुल ठीक नहीं है. मैक्सिमम मतलब आपको कंप्लायंस करना है तो आपको मिनिमम टैक्स रखना पड़ेगा. मैं बार बार कहता रहा हूं आपके प्रोग्राम में, मैंने पहले कहा है कि अगर हम टैक्स रेट बढ़ाएंगे टैक्स चोरी होगी. अब आप सोचो कि आप पंखा लेने मार्केट जाओगे, पंखा छोड़िए, आज सुबह मेरे पास में आए लोग वो चश्मे वाले, बोले साहब ये चश्मे का कवर है, मोबाइल के जैसे छोटे छोटे कवर होते हैं, चश्मे कवर होते हैं, बोले साहब ये 28% में डाल दिया. अब चांदनी चौक में चश्मे के मार्केट में अगर कोई व्यक्ति जाता है वो 28% नहीं देने वाला है, ना दुकानदार लेने वाला है ना वो बंदा देने वाला है. इसी को आप 12% 5% 10% रखोगे तो दुकानदार भी ले लेगा और बंदा भी दे देगा. आप 28% रख रहे हो, चोरी होगी पक्का. Well, that's Manish Sisodia, the Delhi finance minister, talking about the GST. Remember, on the 3rd of June, there's going to be a crucial meeting of the GST council where the rates for 6 categories of items that was not taken up in the previous meeting will be finalized. But by the looks of it, he's not the only finance minister. You heard from the finance ministers of Karnataka, Kerala, a lot of industry bodies across different sectors making representations, seeking the government's redressal, the GST council's attention to try and reopen rates. Will that be possible or not? At this point in time, the sense is that if you reopen one sector, you're going to be forced to reopen others, and perhaps that there isn't enough bandwidth for the GST Council to be able to do that if they need to meet the timeline of the 1st of July for the goods and services tax. But